देव ऋषि नारद जी विचरण करते करते राजा अम्बरीश की पुण्यमयी नगरी में जा पहुंचे। राजा अम्बरीश भगवत भक्त हैं। जहां हरियाली वहां बादल, जहां बादल वहां हरियाली, जहां भक्त वहां संत, जहां संत वहां भक्त। अम्बरीश उठ खड़े हुए और देव ऋषि नारद का अर्घ्यपाद से भली प्रकार पूजन किया। जलपान कराने के बाद महामहिम महाबुद्धिमान अम्बरीश ने देव ऋषि नारद से प्रश्न किया कि प्रभु आज्ञा दें तो मैं प्रश्न करूं। पूछिए राजन, प्रभु भक्ति कितने प्रकार की होती है? भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है? जगत की भक्ति तो जीव को भरमाती है, दुख देती है, कष्ट देती है, और भगवान की भक्ति जीव को भगवत रस से, भगवत ज्ञान से, भगवत आनंद से, भगवत माधुर्य से, भगवत प्रेरणा से पावन कर देती है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि राजन, संतों को सम्मान देने वाला ये तुम्हारा स्वभाव, तुमसे मेरे प्रति प्रश्न पूछवाता है। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं और आप मुझसे पूछते हैं कि भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है, तो भक्तों का स्वभाव होता है दूसरे को सम्मान देना। हे भगवत प्रेमी राजा अम्बरीश, तुमने प्रश्न किया है तो मैं उत्तर देकर अपना जिह्वा और मन पावन करता हूं। भगवान की भक्ति 5 प्रकार की होती है। मानसी भक्ति होती है, उसमें मन ही मन भगवान को अपना मानकर उसका ध्यान किया जाता है, साकार निराकार अंतरात्मा रूप। ध्यान के पहले भगवान को बार बार देखा जाता है, धारणा होती है, और बुद्धि में भगवान सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद स्वरूप है, वेद का अर्थ बुद्धि में बिठाया जाता है। वेदार्थ अपनी बुद्धि में बिठाकर भगवान का बार बार ध्यान किया जाता है, ये मानसिक भक्ति है, मानसी भक्ति। राजन दूसरी भक्ति होती वाची की भक्ति, वेद मंत्र का उच्चारण, गुरु मंत्र का जप, भगवान नाम जप, वेदों का पाठ, आरण्य पाठ, ये वाचिक भक्ति में आता है। भक्त हृदय राजा अम्बरीश महीपति, तुमने ये प्रश्न पूछकर मेरे चित्त को भगवत रस का भोजन ही दे दिया है। जलपान से तो शरीर की सेवा हो गई, लेकिन ये प्रश्न पूछकर आपने तो मेरी सेवा कर ली। जहां भगवत संबंधी प्रश्न उत्तर होते, वो माहौल कितना पावन होता है। नारद जी कहते हैं कि महाबुद्धिमान परम वैष्णव, दूसरी भक्ति वाचिक होती है वेद मंत्र उच्चारण, जप, आरण्यक पाठ, इसे वाची की भक्ति कहा जाता है। तीसरी भक्ति होती है काई की भक्ति, जिसमें व्रत उपवास, जैसे पूनम का व्रत, एकादशी का व्रत पाप नाशनी शक्ति देता है, आरोग्य प्रदाय, इस ये काई की व्रत में आता, काई की भक्ति में आता है। व्रत उपवास, नियम पालन, इंद्रिय संयम, इससे सिद्धियां भी मिलती है। पीड़ो तो भवति सिद्धया,
शारीरिक कष्ट सहकर व्रत उपवास नियम पालने से सिद्धियां भी मिलती है। इसको काई की भक्ति कहा गया है। चौथी होती है लौकी की भक्ति। इसमें भगवत पूजन, रात्रि जागरण, नृत्य, वाद्य, गीत, पाद्य, अर्घ्य आदि का समावेश होता है, पूजा पाठ वाली भगवत प्रीति के लिए। पांचवी होती है वैद्य की भक्ति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि, अथर्ववेद आदि, उनका पाठ करना, जप करना, संहिताओं का अध्ययन करना, यज्ञ याग आदि करना, ये वैद्य की भक्ति। इससे भगवान को संतुष्ट करने वाले अपने अपने श्रद्धा के भाव के अनुसार और भक्ति के साधन सामग्री के अनुसार अपने चित्त के करोड़ों करोड़ों जन्म के दूषित संस्कारों को मिटाकर हृदय में भगवत भाव जागरण।